बिहार की राजधानी पटना प्रदूषित शहरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और फिलहाल पटना का AQI 400 के करीब है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी की वजह से पटना में निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आखिर क्यों है पटना में प्रदूषण, इन्हीं सब मामलों को लेकर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से बात की हमारे सहयोगी SK राजीव ने। बिहार की राजधानी पटना में अगर आप रह रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ का AQI लेवल जो है वो काफी बढ़ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब, AQI लेवल जो है वो पटना का काफी बढ़ गया है, सरकार भी काफी चिंतित है। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जो श्वास है जो वो बचपन से, जैसे ही बच्चा पैदा लेता है और जब तक वो उसकी मृत्यु होती है तब तक सांस शरीर के अंदर जा रही है। अगर सांस में जो शुद्ध हवा नहीं है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5 या 10 वाले भी, और साथ साथ जो ऑब्नॉक्सस गैसेस हैं जो परमिसिबल लेवल से कई गुना ज़्यादा हो रहे हैं, उससे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा, इनके रोगियों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। बच्चों की रोगों की संख्या में भी, बच्चों में भी बहुत तेज़ी से रोग फैल रहा है, बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है कि छठ के बाद अचानक जो है AQI लेवल बढ़ गया पटना का, हालांकि राज्य सरकार काफ़ी चिंतित है और यहाँ पर ऑटो को भी बैन किया गया है, आपको भी जानकारी होगी। आपके पास कितने मरीजों की संख्या बढ़ी है? जी, प्रतिदिन जितने मरीज हम लोग रोगी को देखते हैं उनमें कम से कम 4 से 5 रोगी एक्स्ट्रा हुए हैं जो ये प्रदूषित वातावरण को लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सरकार के स्तर से क्या क्या पहल करने की आवश्यकता है? कि सरकार के स्तर से सबसे पहले तो जो पोल्यूशन करने वाले जो व्हीकल हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावे सरकार के स्तर पर एक एरिया पटना का भी, जो पटना का लंग्स कहा जाए, जहाँ की कंसंट्रेटेड पेड़ों का पेड़ रहें जो कि ऑक्सीजन दें पटना वासियों को, उस तरह से एक पटना का लंग्स बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर मैंडेटरी करना है, जो भी व्हीकल लेकर के जाते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, उनको ढक करके रखना है, क्योंकि उनमें से भी पार्टिकल उड़ करके वातावरण में मिलते हैं। तो सर, एक आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पटना जो है वो हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया है। जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से भी खराब स्थिति पटना की हो सकती है? जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसी तरह की मैराथन मेजर्स पटना में अगर नहीं लिए गए समय रहते तो जरूर ये गंभीर समस्या के, गंभीर प्रदूषित शहरों में ये हो जाएगा। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं और इनके अनुसार अगर आप राजधानी में रहते हैं या फिर राजधानी के बाहर भी रहते हैं और आपको अगर लंबा जीवन जीना है तो एक पेड़ जरूर लगाइए। पटना से SK राजीव, R9 TV।